Hello friends, how are you all? I hope you all are fine and may God bless you all. आज हम बात करेंगे how can we stay fit. जैसे कि आप जानते हैं, last video में हमने बात करी थी कि हमें inner work के साथ साथ अपने को fit भी रखना है. And सबसे पहले हम अपने most important topic पर आते हैं and वो है hair fall, जो कि सबको होता है, maximum जो इस journey से गुजर रहे होते हैं. तो मैंने जो यूज़ किया था और मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, वो है कैस्टर ऑयल. ओके, कैस्टर ऑयल को मैं कोकोनट ऑयल में मिक्स करती हूँ एंड इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा अदरक का रस, थोड़ा सा ओनियन का रस एंड उसके बाद इसको मैं थोड़ा वार्म करती हूँ एंड आफ्टर डैट मैं थोड़ा एलोवेरा जेल मिलाती हूँ. देन मैं अपने हेयर को मसाज करती हूँ एंड उसके बाद मैं एक दो घंटे के बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ. एंड मैंने हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू जो है वो एप्पल साइडर विनेगर वाला लिया है, जिससे डैंड्रफ कंट्रोल हो. एंड साथ ही में उसके बाद मैं सीरम यूज़ करती हूँ, जो कि है ममाज अर्थ का ओनियन सीरम. तो ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से मेरे हेयर फॉल कम हुए, इवन बहुत कम हो गए. एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम पूरी तरह से तो नहीं जाती, क्योंकि बार बार ये रेज होती रहती है, लेकिन हाँ इस तरह से रहेगी कि जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपको डैंड्रफ है. हाँ, अगर लॉन्ग टाइम अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, जैसे आपने 2-3 हफ्ते यूज़ ही नहीं करा, तो डैंड्रफ लौट के आने लगेगी. हेयर फॉल मेरा कंट्रोल हुआ इससे, इससे मेरा डैंड्रफ कंट्रोल हुआ, इससे मेरे फ्रीजी हेयर एंड उनमें जो टैंगल्स थे वो कंट्रोल हो गए एंड हेयर सिल्की बने, स्मूथ बने एंड लॉन्ग तो ऑब्वियसली हो ही गए. प्लस मेरे बाल झड़ने के कारण लाइक माथे पे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़्यादा ही झड़ गए हैं, तो समटाइम मुझे लगता था कि मेरा माथा ब्रॉड है कि हेयर झड़ रहे हैं, तो वो हेयर ही झड़ रहे थे. तो न्यू हेयर भी आए एंड बेबी हेयर थे स्टार्टिंग में वो, तो माथा थोड़ा भरा भरा लगने लगा एंड आफ्टर डैट जो है मेरी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो गई. नाउ आते हैं बॉडी पेन एंड बॉडी एक्स. जो हमारी बॉडी में पेन होता है उसके लिए आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड मल्टी विटामिन, कैल्शियम एंड विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं आप, और विटामिन्स का टेस्ट करवा सकते हैं, कैल्शियम का अपना टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी डिफिशेंसी हो जाती है जिससे हमारी बॉडी में पेन होता है. स्पेशली हमारे बैक में पेन होने लगता है या फिर समटाइम आयरन की कमी हो जाती है, उससे भी बॉडी पेन काफ़ी होता है. नाउ कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत हेल्दी हो गए हैं. हेल्दी मैं भी हो गई थी एक्चुअली. कुछ लोग, वैसे मैक्सिमम लोग वीक होते हैं, लेकिन इस जर्नी के दौरान मैंने बहुत वेट गेन किया था. इवन अभी भी मेरा वेट ज़्यादा ही है. तो मैंने इसके लिए जिम ज्वाइन करा एंड जितना हो सके, मतलब मैं वन डे में एक बार एक्सरसाइज इतनी करती थी कि मैं पूरा स्वेट हो जाऊँ. अगर डेली अगर आप लोग ऐसे एक्सरसाइज करोगे कि एक टाइम में आप बिल्कुल स्वेट हो जाओ, तो इससे आपका वेट रिड्यूस होगा, आपकी एनजाइटी एंड डिप्रेशन कम होगी. इवन अगर आप रेगुलर इसको करते हो तो बिल्कुल चली जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी. एंड साथ ही में जो है आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपका हैवी वेट है और आप कम करना चाहते हो, प्लस आप एंटरटेनमेंट के वे से कम करना चाहते हो, क्योंकि मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन करी थी एंड डांस क्लासेस में तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे एक्सरसाइज हो गई एंड कैसे वेट रिड्यूस हो गया. मैंने जुम्बा क्लासेस भी ज्वाइन करी थी. तो आपका जौन सा भी मन हो आप वो क्लासेस ज्वाइन करो, इससे आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी एंड आपका वेट कम होगा, आपका हॉर्मोन इम्बैलेंस जो हो रखा है वो भी ठीक होगा एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन वो भी कम होगा. एंड ये जो बॉडी में अलग अलग तरह के पेन होते हैं उनमें भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम एंग्जाइटी हमें परेशान करती है, डिप्रेशन हमें परेशान करता है, तो ओनली सर में दर्द नहीं होता, समटाइम पूरी बॉडी में भी पेन होने लगता है. नाउ जो लोग बहुत स्लिम हो गए हैं वो एक बार डॉक्टर के पास जाएं एंड पूरी अपने डायग्नोस करवाएं, विटामिन एंड कैल्शियम एंड आयरन एंड आफ्टर डैट डॉक्टर्स की सलाह से आगे चल सकते हैं. एंड जिनको एक्ने हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, मेरे को भी थोड़ी सी हो गई थी एक्ने एंड स्किन की प्रॉब्लम. एक्ने समटाइम तब भी हो जाते हैं जब हमारे
सर से डैंड्रफ हमारे फेस पर गिरता है, तो मैंने इसके लिए सेम ये जो कैस्टर ऑयल है इससे 2-4 बार मसाज करी नाइट में फेस की एंड मॉर्निंग में फेस वॉश से धो लिया। और मैं फेस वॉश जो यूज़ करती हूँ वो हिमालय का है, उससे भी मुझे हेल्प मिलती है कि मेरे फेस पर एक्ने ना आए। एंड समटाइम मैं कैस्टर ऑयल लगा लेती हूँ जिससे स्किन हेल्दी रहती है एंड जो एक्ने होते हैं वो हट जाते हैं, क्योंकि ये एंटी होता है, कुछ कुछ इसमें एंटी होते हैं जो कि हमारे सारे जो स्किन पे होते हैं ना उन जर्म्स वगैरह उनको हटा देते हैं एंड स्किन को हेल्दी बनाते हैं। तो एक्ने हट जाते हैं, कोई दाग धब्बे हैं वो भी हट जाते हैं, प्लस एक्ने के कारण जो हमारे स्किन में छोटे 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 गड्ढे हो जाते हैं वो भी भर जाते हैं इससे, क्योंकि ये स्किन के टिश्यूज़ को रिपेयर भी करता है कैस्टर ऑयल एंड हमारी स्किन को ब्राइट भी करता है। समटाइम क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं तो हमारी स्किन पे लाइक एक ब्लर ब्लर आने लगता है, ऐसा लगता है कि वाइट 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 स्किन दिख रही है धब्बे धब्बे से। तो ये जो होता है कैस्टर ऑयल इससे काफ़ी ब्राइटनेस आती है फेस पर। रेस्ट अगर आपको इनमें से कोई चीज़ सूट ना करे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ें यूज़ करनी है, आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, आसपास किसी योगा ट्रेनी की या फिर जो भी कई लोग ट्रेनिंग देते हैं उनकी सलाह ले सकते हैं एंड जैसे आपको ठीक लगे आप लोग अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। बट हेल्दी रहना भी उतना ही ज़रूरी है बॉस जितना इनर वर्क करना, तो आप अपनी हेल्थ पे स्पेशल ध्यान दीजिए एंड साथ साथ इनर वर्क भी कीजिए सो दैट दोनों इम्प्रूवमेंट आपकी साथ साथ हो सके एंड दोनों तरह से इम्प्रूवमेंट ज़रूरी भी है। ओके आई डोंट थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम रह गई है, जितने मुझे मैसेजेस आए थे कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। बट हाँ कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि उनके हेड हेड में बहुत पेन रहता है, हेडेक रहता है, तो हेडेक के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग राइट साइड करवट लेके सोएं जब आपको हेडेक हो रहा हो, या फिर सोने से पहले क्या करें कि अपने राइट राइट नोस्ट्रिप पर आप फिंगर रख लें एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही 10 से 20 बार डीप ब्रीथ करें। ध्यान से सुनिए कि आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही 10 to 20 times डीप ब्रीथ करना है, देन आपको राइट साइड करवट लेके सोना है जिससे आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो ओपन हो जाएगी एंड आपका जो एनजाइटी डिप्रेशन और जो एनर्जी का इम्बैलेंस है वो थोड़ा सा बैलेंस में हो जाएगा एंड उसके बाद आपको नींद अच्छी आएगी एंड आपका जो हेडेक है वो भी कम हो जाएगा। ओके एंड ये सब है जो मेरे माइंड में आ रहा है कि आप लोगों ने पूछा था, हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, डैंड्रफ कंट्रोल हो गया, स्किन इश्यूज कंट्रोल हो गए, हेल्दी एंड थिन वेट वो भी कंट्रोल हो गया, देन और क्या करना है, इनर वर्क तो आप लोग कर ही रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं बताना भूल गई कि इसमें क्या होता है कि जब हमारी एनर्जी लो होती है तो हमें बीच बीच में लगता है कि हम एक्स्ट्रा खाएं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि जब एनर्जी लो होती थी तो मैं खाना खा लेती थी ना, समझ में ही नहीं आता था वो खाना कहाँ चला गया, आधे घंटे में फिर भूख लग जाती थी, फिर ऐसा लगता था कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लो कुछ भी पी लो। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अगर आपका भी ऐसा मन करता है तो आप कोल्ड ड्रिंक ना पिए, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा हो एंड कोकोनट वाटर से जो हमारी ओरा है वो भी क्लींस होती है आपको पता है। एंड आपको अगर भूख लगती है तो उसका तो एकदम से समाधान नहीं होगा, लेकिन हाँ आप अपने फूड प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं हेल्दी फूड प्रोडक्ट से, जैसे कि मैंने किया था अपने कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक्सचेंज कर दिया था कोकोनट वाटर से एंड बिस्किट्स एंड स्नैक्स को एक्सचेंज कर दिया था फ्रूट्स के से एंड सैलड से एंड ड्राई फ्रूट्स मैंने कुछ यूज़ किए थे जिससे अगर मुझे भूख लगे तो मेरा पेट भी भरे और साथ ही साथ मेरी बॉडी हेल्दी भी रहे। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आपका बार बार कुछ खाने का मन करता है तो आप अपनी फूड हैबिट्स चेंज कीजिए, अपने जो जंक फूड्स हैं जो स्नैक्स हैं उन सबको एक्सचेंज कर दीजिए हेल्दी फूड से। ओके तो हेल्दी फूड से जब आप एक्सचेंज करेंगे तो आपका पेट भी भरेगा साथ ही में वो न्यूट्रिशंस भी आपके अंदर जाएंगे जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आई थिंक मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ आपको एंड वो है
जो मैंने शुरू किया है ड्रिंक के लिए वो है एक ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं दिन में एक बार लेती हूँ, ठीक है, लंच टाइम में। एंड मैं एलोवेरा, एलोवेरा का जो फाइबर जूस होता है उसको भी लेती हूँ, जो मुझे पतला रखता है, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखता है। तो मैं पतंजलि का जो है एलोवेरा फाइबर जो है 1 लीटर की बॉटल आती है 200 की, उसको यूज़ करती हूँ। मैं मॉर्निंग में लेती हूँ एंड इवनिंग में लेती हूँ, दो टाइम लेती हूँ खाना खाने से पहले इक्वल पानी में मिक्स करके, एंड जिससे मेरा इम्यूनिटी सिस्टम सही होता है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कर पाती हूँ, मेटाबॉलिज्म मेरा इंक्रीज़ होता है एंड मेरा वेट रिड्यूस होता है ऑब्वियसली। प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह के ऑक्सीडेंट जो है नहीं जमते हैं, जिससे हमारी ऑरा क्लींस ऑटोमेटिकली होती रहती है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत हो और हमारी बॉडी क्लियर ना हो अच्छे से, तो भी हमारी ऑरा पे बहुत सारी नेगेटिविटी जम जाती है। तो ये हर तरह से मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। रेस्ट जैसे आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो को छोटा बनाना चाह रही थी, आई डोंट नो कैसे बनते बनते 11 मिनट की समथिंग बन गई है ये, क्योंकि जब भी मैं रखने की सोच रही हूँ तभी कोई ना कोई इशू मेरे को एकदम स्ट्राइक कर रहा है, जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था। सो अभी मैं रखती हूँ। ओके, अभी के लिए इतना ही।